अपने घर से थैलामारा चारियाली तक पैदल पैदल जा रही हूँ केक बॉक्स लाने, दीदी के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ क्योंकि आज उनका बर्थडे है और मुझे उन्होंने केक लाने को बोला था, बनाने को दिया था। तो अभी मेरा स्कूटी ख़राब हो गया, तो स्कूटी अभी मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा था तो इसलिए पैदल ही आ गई मैं। तो देखो गाइस, अपने घर से थैलामारा चारियाली तक पैदल पैदल जा रही हूँ केक बॉक्स लाने, दीदी के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ क्योंकि आज उनका बर्थडे है और मुझे उन्होंने केक लाने को बोला था, बनाने को दिया था। तो अभी मेरा स्कूटी ख़राब हो गया, तो स्कूटी अभी मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा था तो इसलिए पैदल ही आ गई मैं, क्योंकि 600-700 ऐसा मीटर होगा हम लोग का घर से, पर फिर भी मुझे चलना बहुत बेकार लगता है। पर फिर भी गाइस देखो केक के लिए इतना मेहनत हो रहा है, चारियाली पहुंच गई, इतना दूर मुंह खराब हो जाएगा। तो गाइस मैंने ये सामान वगैरह ले लिया है, अभी पैकिंग कर दूंगी, उसके बाद मैं जल्दी केक लेके आऊंगी। अब पापा बॉक्स बना रहे हैं, अभी केक इसको डाल के लेके जाऊंगी। भाई नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपनी दीदी के बर्थडे में, तो पता नहीं कहाँ तो मना रहे हैं ये, अभी केक कहाँ गया मम्मी केक? ओ अच्छा, केक और जगह बेले गए के। तो ये केक लेके जा रही हूँ, बेका हुई से गेट खुली दे। तो गाइस केक ले लिया है, अभी मैं जा रही हूँ एकदम झिंगा लाला ड्रेस पहन के झिंगा लाला ड्रेस पहन के जा रही हूँ गाइस, अभी चलते हैं। बाय मम्मी। ये बैग मेरा अजीब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ठीक है, देखते बस मिलता है क्या मिलता है। एकदम कॉल कर करके पूरा परेशान कर दिया है मुझे कि कब आएगी कब आएगी, और इधर पे मैं उनके काम के लिए ही दौड़ रही हूँ। ये पुटू बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे, बट एनीवेज मैं उसको कॉल बैक करती हूँ। चलिए अभी पता नहीं बस में इसको कैसे लेके जाऊँगी, इतने भीड़ भड़ा के में ये केक ख़राब ना हो जाए उसका मेरा टेंशन है। बट एनीवेज लेट्स गो, और वहाँ पे लोकेशन में पहुँच के मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि किससे मिलती हूँ किससे नहीं। तो गाइज इतना किचकिच के बाद मैं बैठ गई हूँ ट्रेवलर में, अभी ट्रेवलर से जा रही हूँ मिशन चारियाली तक, उसके बाद इन पागलों को दिखाती हूँ। ये मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है आज इन्होंने। मिशन चारियाली अभी उनसे मिलते हैं। चलिए, इतना ट्रैफिक है आधा रास्ते से मैं खुद ही चल के जा रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ नहीं सकती है उधर से बस, तो सोचा कि पैदल ही चल लूँ, थोड़ा सा मेरे से वेट नहीं किया जा रहा है। मिशन चारियाली से अभी टॉम टॉम में जा रही हूँ गाइस, इलेक्ट्रिक गाड़ी में, उसके बाद मिलते हैं इन लोग को, थोड़ा चारियाली में मिलेंगे हम लोग। तो गाइस सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, केक बॉक्स के वजह से थोड़ा देर भी हो गया, इसलिए डांट भी खाया, और इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने कुछ गिफ्ट भी नहीं ले पाई दीदी के लिए, तो ऐसे चली गई केक लेके। ये मिल गई है मुझे पोलवा सारियाली में, अभी रिचा को देखते हैं। नहीं जाएगा, हम तुम बुक करा है हम मिल गए। ये इतना परेशान किया इस पागल ने मुझे कॉल कर करके, मेरा दिमाग खराब कर दिया था बुड्ढू साला। दांग ना दांग पूरा। कोई माने एक बार बोलता दीदी के घर में चलते हैं, एक बार बोलते मिशन चारियाली में आ जा, एकदम माथा गरम कर देता है ये लड़की। आज तो लड़की जैसा लग रहा है, बारह दुनिया लग रहा है। और ये फिर हमको रिचा मिल गई, ये रही हमारी रिचा, और फिर ये सारे गिफ्ट्स ले रखे हैं, देखो गिफ्ट्स और ये केक वगैरह दीदी को देने के लिए। इतना देर कर रहा है ये लोग, अभी पता नहीं कब आते हैं, अगर नहीं आते तो खुद केक काट के खा जाएंगे। जा रहे अभी हम लोग के साथ में, ये लंबू को बहुत दुख है, लंबू देखो पागल, देखा देखा या के देखा। इसमें गिफ्ट है और केक है, यहाँ गिफ्ट है, ये भी रोज है, सब अभी बहुत गुस्सा हो रहे थे, बोला दीदी और चीजा, अभी देखते क्या होता है।
थोड़ा देर हो गया ना हम लोग का। हाँ, इसलिए गुस्सा हो रहे थे। अभी देखते हैं कि क्या होता है, उधर जाके पता चलेगा। तो मिलते हैं लोकेशन में, बाय। इतना झटका झटकी खा के आ रहे गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तेज रोड फाइनली। ये है बर्थडे गर्ल। हम लोग पहुंच गए हैं तेज रोड में। ये देखो सब लोग आ गए हैं। ये जीजा दीदी बर्थडे गर्ल। ये है बर्थडे गर्ल। ये जीजा इमान गाली खुनी खुनी आहिलो आरो गाइस। गाली सुन सुन के आ गए ये देखो। टाइप का है और ये रिजॉर्ट टाइप का, ये टीजॉर्ट है नाम इसका, इसलिए तेजपुर से थोड़ा रिजॉर्ट को मिला के टीजॉर्ट हो जाता है टीजॉर्ट। तो ये बर्थडे गर्ल इतना गुस्सा होता है, देखो गाइस। और ये जीजा आते ही ये मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री चाय वगैरह। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Munu Didi, happy birthday to you, yeah. Oh, yet mukh dua tak kena. Oi. Oi. Nai man dunia. Ukho hoise. Shooting so hobo dia. He, hole o aro no. Oi, yar ba ki? Kapor set chhe. Ye dekho dara. रिमोट पिना चप्पल तो गाइस ये गिफ्ट अनरैप कर रही है हमारी दीदी। तो उनको रीता ने चप्पल एक गिफ्ट दिया और फिर उसके बाद पुतू और जुगामी ने, पुतू और जुगामी सेम है, उसका पेट नेम पुतू है तो हम उसको पुतू बुलाते हैं घर में। तो गाइस उसने एक तो नाइटी दिया और एक कुर्ती दिया था और एक स्वेटर। तो उसने तीन चीज़ दी अपनी बहन को, तो दीदी को एक स्वेटर जो कि पहन के दिखा रही है दीदी, और अच्छा लग रहा था उन पे और स्ट्रेचेबल भी था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फिर मुझे दिखे ये दोनों प्यारे प्यारे टर्की, दो एक वाइट कलर में था और एक ब्लैक कलर में था। अगर आप तेज रोड जाते हैं तो उनके साथ सेल्फी और फोटोज़ तो ज़रूर क्लिक कर सकेंगे। बहुत ही बड़ी जी है गाइस, इसको टर्की टर्की है। और इसके साथ ना एक मैंने फ़न एक्टिविटी किया है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि वो मैंने फ़न एक्टिविटी कौन सी किया है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे इस वीडियो में चल के। तो बने रहना मेरे वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी से, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस। ये देखो ऐसा है गाइस रिजॉर्ट। तो गाइस केक कटने के बाद, फॉर्मेलिटी वगैरह फ़ोटो वोटो खींचने के बाद हम सब ने केक खाया, केक को एंजॉय किया गाइस। सबको केक बहुत ही पसंद आया। विद इन फ्यू सेकंड्स हमने ये ख़त्म कर दिया गाइस, पूरा 1 kg केक। हम 6 लोग थे तो जीजा ने तो ज़्यादा नहीं खाया और सबको केक बहुत पसंद आया गाइस। तो ये देखो कैसे ठूस रहे, और दीदी को भी बहुत अच्छा लगा केक। और ये देखिए गाइस ठूसते हुए हम 6 हो।
दूंगी, ये आवाज देंगे। मार दी से। चुकी हुई इस टीजॉर्ट में, तो ये रहा हम लोग का व्यू पीछे का। इधर पे हर जगह फोटो खींच सकते हैं। ये देखो गाइस, ये रिचा, और ये देखो दिल शेप है यहाँ पे भी, और स्कूटर वगैरह भी है वहाँ पे भी, फोटो शूट कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं। और ये भैया लोग देख के जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर कोई नहीं बोले दादा, बोटिंग और ये देखो नाव में। तो दीदी और जीजा यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बैठ गए थे, तो देखो गाइस ऐसे यहाँ पे मद्या को ऐसा भी पोरी बोई खोसा है। ये देखो और हम लोग को नहीं मिला। हम लोगों ने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था, तो इनका सर्विस बहुत ही ज़्यादा लो है गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो है फूड सर्विस। अगर आप ऐसा भी कर सकते कि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप पूरा पार्क वगैरह अच्छे से घूम लीजिए, लेकिन आप बाहर जाके किसी दूसरे रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं, क्योंकि इधर की सर्विस जो है फूड सर्विस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और ये देखो गाइस उसका वेज नूडल्स और वेज हाका नूडल्स और हमारा वेज पुलाव आ गया था। तो बस यही अच्छा है कि ऊपर से ये लोग प्लास्टिक कवर कर देते हैं, ताकि जब वो वहाँ किचन से यहाँ तक लेके आए तो उसमें धूल ना पड़े गाइस। तो ये देखिए ऐसे ही रैप्ड था पूरा खाना, तो ये अच्छा लगा मुझे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से मुझे इतना खास नहीं लगा। और ऑल्सो फूड क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क, लाइक इट वॉज नॉट डिलीशियस एज इट इज़ लुकिंग राइट नाउ गाइस। सो हम लोग का चिकन बिरयानी आ चुका है, तो ये देखो, आई नो गाइस दिस इज लुकिंग वेरी डिलीशियस, पर ठीक ठाक था, इतना भी खास नहीं था गाइस। गाइस खाना वाना खा लिया है, और ये देखो गाइस अभी शाम हो गया है, सनसेट हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं पीछे, और ये हमारी लौगी।
गए हैं, अभी जा रहे हैं। टमटम वाला भी नहीं आएगा बोला। अभी पता नहीं कैसे जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा गाइस। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।